भाजपा के संपर्क फोर समर्थन अभियान के तहत प्रभारी मंत्री अर्चना चिटनिस ने विधायक दिलीप सिंह परिहार के निवास पर समाज के प्रमुखों और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों से चर्चा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के संपर्क फोर समर्थन अभियान के तहत प्रदेश की महिला एवं बाल विकास व जिले की प्रभारी मंत्री अर्चना चिटनिस ने नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार के निवास पर शहर के विभिन्न समाज और संगठन के प्रमुखों से चर्चा की। इस चर्चा में उन्होंने समाज प्रमुखों से जाना कि देश की मोदी सरकार और प्रदेश की शिवराज सरकार कैसा कार्य कर रही है। समाज प्रमुखों ने भी अपनी बात रखी और प्रभारी मंत्री ने भी सभी की सुनी। इससे पहले सभी समाज प्रमुखों ने प्रभारी मंत्री का स्वागत किया, हालांकि वे इससे नाराज नजर आई और कहा, स्वागत हमें करना चाहिए था, आपको नहीं। नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार का कार्य प्रभारी मंत्री ने व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नीमच की बंगला बगीचा समस्या हल कर दी और बड़े भूखंडधारियों को भी राहत देने की अपील की। विधायक परिहार ने प्रभारी मंत्री सभी समाजजनों को भूखंड देने का भी आग्रह किया। हमारे जो समाज के सभी बंधु आए हैं, मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब आए थे, आप जिले की प्रभारी मंत्री है, हमारे समाज के छोटे छोटे समाज है, इनके भूखंड, समाज के भूखंड के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ आवेदन है। हम ये चाहते हैं कि नगर पालिका में बंगला बगीचा और खेत की समस्या आपने निराकरण की है, मैं इसके लिए आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कुछ बड़े लोग हैं, उनके समस्या भी हमने अध्यक्ष जी ने, सांसद जी ने मुख्यमंत्री जी के बीच में रखी थी, आप भी उस बात को रखना जिससे कि उन्हें भी राहत मिले। एक कोई खेत में हमारे सारे समाज के लोगों को भूखंड उपलब्ध हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैंने बात की थी, आप प्रभारी मंत्री है, उसमें टेका लगा देंगे तो पुनीत और पवित्र कार्य में सबका सहयोग हो जाएगा। मैं इस अवसर पर अधिक कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, आओ हम सब लोग मिलकर इसी प्रकार समाज में समरसता का संदेश देते हुए, इसी प्रकार कंधे से कंधा मिलाकर नीमच को नंबर वन बनाने में, नीमच मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने में और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश को पुनः विश्वगुरु बनाने में आप सब, हम सब लगे। प्रभारी मंत्री अर्चना चिटनिस ने कहा कि इतने बड़े देश में 4 साल का कार्यकाल बहुत छोटा होता है। इन 4 साल में देश के प्रधानमंत्री ने कई योजनाओं को आमली जाम पहनाया। हमारी बहु बेटियां घर की इज्जत होती थी, उनके लिए घर घर में शौचालय का निर्माण युद्ध स्तर पर चलाया। स्वच्छता अभियान में देश भर में महाअभियान चला और प्रधानमंत्री आवास योजना ने गरीबों को अपने घर के सपने को साकार किया। उज्ज्वला योजना ने माँ की मुरादें पूरी की। आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही, संसार का ग्रोथ रेट 4% है और अपने भारत का ग्रोथ रेट 31%। आज दुनिया की अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि भारत दुनिया का ग्रोथ इंजन है, ये 4 साल में हमने पाया है। और जितनी हमारी योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास की योजना हो, चाहे सड़कों के बनने की रफ्तार बढ़ी हो, चाहे बांध के बनने की रफ्तार बढ़ी हो, ये सारी रफ्तार बढ़ने से आपके नीमच में कितने मकान बन रहे हैं सर? 900 गुना 2.5 लाख कितने हुए? 900 गुना 2.5 लाख 22.5 करोड़। और स्मार्ट सिटी की योजना है और अमृत की योजना है, सारे देश में जब सरकार 1 रुपया खर्च करती है, जब नीमच में 22 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास के लिए आए, तो ये इकोनॉमी का फॉर्मूला है कि सरकार का 1 रुपया 7 बार घूमता है और वो 7 बार इकोनॉमी को बढ़ावा देता है। इस अवसर पर विभिन्न समाज के प्रमुखों ने भी अपनी बात रखी, सरकारी उपलब्धियों को गिनाया और कमियां भी बताई। कायस्थ समाज से बाबूलाल गोड़, बैकुंठ धाम से राजेंद्र जारोली, आतिश तोतला, सिंधी समाज से मनोहर अर्जुनानी, चंद्र प्रकाश तलरेजा, यादव महासभा सुनील अम, राकेश सोन, दिनेश कर्णिक, राकेश खुआर, प्रताप सिसोदिया, योगेश राजौरा, विजय कुंगर, रियल इस्टेट प्रॉपर्टी एसोसिएशन से राजेश जैन, भारत स्वाभिमान विवेकानंद शाखा से प्रदीप ओस्तवाल, ग्वाल समाज से धन्नालाल पटेल, स्वर्णकार समाज से भगत वर्मा, नरेंद्र सोनी, मराठा समाज से एमएम जाधव, रोटरी क्लब अध्यक्ष एमएम जाधव सहित बड़ी संख्या में समाज प्रमुख और संगठन प्रमुख उपस्थित थे। मुझे यह कहते हुए बड़ा प्रसन्नता है कि स्वच्छता अभियान में हमारा अपना इंदौर और भोपाल प्रथम आया और उसी प्रयास में हम लोग मिलाके, जब आप प्रधानमंत्री जी के बारे में विचार करते हैं तो स्वच्छ भारत अभियान, नेत्रदान की नगरी नीमच को कहा जाता है।
इस सत्र में 95 नेत्रदान हमारी संस्था ने प्लस हमारे से जुड़ी हुई सेंट्रल ने करीब 50 नेत्रदान करवाए जा चुके हैं जो एशिया में सर्वाधिक है। इसको अप्रत्यक्ष रूप से शासन किस तरह से हमें सहयोग कर रहा है, इसका एक उदाहरण ये है कि हमें 15 लाख रुपए की एक एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जा रही है जिसका चेक वीडी कलेक्टर ऑफिस में पड़ा है जो अगले 15 दिन में यहाँ शहर को समर्पित कर दी जाएगी। ये पिछले 50 साल के दौरान कभी संभव नहीं हुआ। साथ ही हमारे विधायक महोदय, हमारे जो नगर पालिका अध्यक्ष, इन्होंने जो हमें जमीन उपलब्ध कराई जिनपे सुंदर प्याऊ बनाई हुई है, हम लोग यात्री निवास बना रहे हैं, तरह तरह की सुविधाएं हमें उपलब्ध यात्रियों के लिए और आम जनता